कृष्ण कन्हैया काकरे यशोदा मैया। मैंने माइंड मेकअप किया था कि नहीं, अभी मुझे इस तरह के शोज नहीं करने हैं। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, मुझे उस तरह के शोज उस टाइम करने ही नहीं थे, बट जब मुझे कैरेक्टर का पता चला तो मैं लालच में आ गई। जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसको बहुत रिलीजियसली इस शो को देखते थे। हम बचपन से रात के 12 बजे हम लोग पूजा करते हैं, खूब घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, गाने गाते हैं कृष्ण जी के लिए। आई फील यशोदा बहुत पैम्पर करती थी कृष्ण जी को, और कहीं कहीं पे शी यूज टू बिकम लाइक अ चाइल्ड। वो बच्चे के जैसे लड़ती भी थी औरतों से कि मेरे बच्चे को कुछ मत बोलो, जैसे माए होती हैं कि कुछ नहीं किया मेरे बच्चे ने, तुम जबरदस्ती ऐसी बोल रही हो। तो वो वाली थी यशोदा जी। हाय नेहा, लोकमत हिंदी के साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हाय ट्विंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। आप जानते हैं, आपने यशोदा का कान्हा जो सीरियल था, मैया यशोदा जो आपने सीरियल किया था, यशोमती मैया के नंदलाला। यशोमती मैया के जो नंदलाला आपने सीरियल किया था नेहा, उसमें आपने बखूबी माँ यशोदा का अपने कैरेक्टर निभाया। और फिलहाल भारत में जन्माष्टमी का उत्सव होने वाला है और इसे काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भारत में एक अहम भूमिका निभाता है जन्माष्टमी का त्योहार। तो आपने ये कैरेक्टर निभाया था उस सीरियल में काफी लंबे समय तक शूटिंग के दौरान। एक होता जी है कि इंसान वो कैरेक्टर करता है तो अपने अंदर उसे बनाने लगता है, उसके अंदर जीने लगता है कैरेक्टर के अंदर। तो यशोमती मैया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये कैरेक्टर निभाने के लिए आपने खुद को कैसे बनाया, आपने खुद के अंदर क्या चीजें बनाई, बिल्ड की, कि आप ये कैरेक्टर अच्छे से निभा पाए बखूबी। जैसे एक माँ यशोदा के चेहरे पर मासूमियत होती है, या खैर आपके चेहरे पर नेचुरली वो मासूमियत है, लाने की जरूरत नहीं है। तो आपने उस कैसे, आपकी आंखों में वो माँ का प्यार कहाँ से, मतलब किस तरीके से आपने अंदर बिल्ड किया नेहा? जी एक्चुअली यशोमती जब ऑफर हुआ था तो पहले मेरा उतना इंक्लिनेशन नहीं था ऑनेस्टली। उस टाइम मैं म्यूजिकल्स कर रही थी और मेरे कुछ चीजें लाइंड अप थी, कुछ काम, सो आई वॉज टेकिंग माई टाइम। मुझे मुझे थोड़ा समय चाहिए था, तो यशोमती मैं उस टाइम लेना नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मतलब मेकर्स जो थे वो, और जो चैनल के लोग थे वो भी बहुत कीन थे कि मैं उसको एक ट्राई दूँ। तो उस वजह से मुझे काफी कॉल्स आ रहे थे, तो मैंने बोला कि भाई ओके, जब इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, आई कांट से नो अभी, जब इतने बड़े चैनल से लोग और मेकर्स आर कॉलिंग यू एंड आस्किंग कि आप एक बार, आपको करना ही होगा, आप यशोमती के लिए आप बहुत सूट कर रही हैं, तो प्लीज। तो पहले मैंने मना किया था, बट देन उन्होंने मुझे समझाया। पहले तो मैंने बोला कि मेरा सेंटेंस यही था कि मैं माइक को नहीं करूंगी अभी, और तो उन्होंने मेरी बात, उन्होंने बोले कि ठीक है, हम आपकी बात ना हमारे क्रिएटिव से कराते हैं। तो क्रिएटिव थे और जो राइटर थे उनसे हमारी बात हुई, और उन्होंने, मैंने ऐसे ही बोला कि मुझे माइथो अभी, आई कांट डू अ माइथो राइट नाउ। तो मुझे बोलते, अच्छा यानी आप नेहा आप माँ मतलब का किरदार आप नहीं निभाना चाहती थी उस वक्त जब आपका इनिशियल टाइम था। एक्चुअली माइथो माइथो नहीं करना चाहती थी। माँ अच्छा तो वो ओके छोटे बच्चे की ही माँ थी, कान्हा छोटा ही रहने वाले थे, तो वो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। बट मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला, नेहा आप भगवत गीता में मानती हैं? मैंने बोला मैं नहीं, पूरा द होल वर्ल्ड, पूरा विश्व मानता है भगवत गीता को, बिल्कुल एंड लोग पढ़ते हैं उसको एज अ सब्जेक्ट, तो एंड पीपल रिसर्च ऑन दैट। तो मैंने बोला कि ऑफ कोर्स। तो बोलते हैं, तो फिर आप माइथो कैसे कह सकती हैं? हाउ कैन इट बी अ माइथो जब भगवत गीता में आप बिलीव करती हैं, गीता के उपदेशों में आप बिलीव करती हैं, तो आप यशोदा को और कृष्ण की स्टोरी को आप माइथो कैसे कह सकती? मैंने बोला नहीं, माय बैड, माइथो नहीं है। बोलते द करेक्ट वर्ड इज डिवोशनल। मैंने बोला ओके
ओके आज से मैं डिवोशनल ही बोलूंगी। तो पहले तो मेरी क्लास लगाई गई थी, तो उन्होंने बोला कि इट इज नॉट अ माइथो, और आपका जो कैरेक्टर होगा यशोदा का वो बहुत रियल होगा। इट इज वो ऐसा नहीं होगा कि हम एकदम महारानी जैसे दिखाएंगे उनको और वो रानी होगी, और नो, वो एकदम रियल औरत होगी जो रियल घर के चोर्स करती होगी। वो यादव यदवंशी हैं वो लोग, तो उनका काम है गाय की सेवा करना। वो उठते हैं सुबह तो वो पूजा करने से पहले वो गाय की सेवा करते हैं, जो यदवंशी होते हैं, जो कान्हा, जो कृष्ण जी की जो फैमिली थी। तो यादव कुल के वो लोग गाय को, मतलब दे आर डेडिकेटेड, वो समर्पित होते हैं। तो शी गेट्स अप, वो उठती हैं, और वो ऐसा कोई कपड़ा भी, झोलरी वोलरी भी नहीं पहनती है कि उनके चोर्स में उनको हेल्प काम करने में दिक्कत है। तो यशोदा का कैरेक्टर वैसा होने वाला है, बहुत रियल होने वाला है। तो मैं वहां ही मान गई कि ये तो इट साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है मुझे। टीवी में इस तरह का अप्रोच मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है, तो मैंने, मेरा मन उधर ही बन गया था। फिर जब मैं गई, मैं मिली, मैंने एक मॉक शूट किया, तो मॉक शूट टीम को बहुत पसंद आया, प्रोड्यूसर्स को अच्छा लगा, चैनल को अच्छा लगा, और इस तरह से मैं यशोदा बन गई। आई थिंक जो सबसे अच्छी बात थी, जो आप बोल रहे हैं यशोदा के लिए कैसे प्रिपेयर किया, जो सबसे अच्छी बात थी कि यशोदा का जो कैरेक्टर उन्होंने बनाया था वो बहुत रियल था। उसको जैसे नॉर्मल इंसान को गुस्सा आता है, वो वैसी वाली माँ नहीं थी जो बच्चे को डांटते समय भी प्यार से डांट रही है। जैसे आज तक थोड़ा पोर्ट्रे करते थे, बड़े प्यार से दिखाते थे यशोदा को, वेरी थोड़ा सा ऑन द यू नो द ट्रेडिशनल मदर वाला रूप दिखाते थे, जो गुस्सा नहीं करती है। बट इफ यू वॉच इट, आप देखेंगे कि मैं काफी गुस्सैल थी, मैं बहुत डांटती भी हूँ कान्हा को, मैं बहुत उसको बहुत बहुत ज्यादा उसको, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद कान्हा। सो इट वॉज वेरी रियल, और मैंने ऑनेस्टली अपनी मम्मी को कॉपी कर रही थी। मैं अपनी माँ को कॉपी कर रही थी, या जो भी मम्मी से, मासियों की या नानी की या दादी की स्टोरी सुनी थी। इवन द डायरेक्टर, वो मुझे, जो हमारे डायरेक्टर थे वो मुझे बताते थे कि नेहा, जैसे मेरी वाइफ है, तो बच्चों को, जो बच्चों के साथ उसको खेलने का मन होता है, बच्चा सो रहा होता है हमारा, तो वो क्या करती है, उसको थोड़ी सी गुदगुदी करके या पिंच करके उठाती है कि वो उसके साथ खेल सके, क्योंकि सोते हुए बच्चे को प्यार नहीं करते, व्हेन द चाइल्ड इज स्लीपिंग। सो शी इज वेरी विकेड लाइक दैट। वो थोड़ी सी, मतलब वो थोड़ी सी बदमाश भी है, वो सिर्फ ममता नहीं है उसके अंदर, थोड़ी नटखट भी है। तो बेसिकली यशोदा हैज टू बी नटखट। सो आई थिंक दैट वे इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी, यानी कि बिकॉज जो आई भी था ऑलमोस्ट आपके फोर्टेड हिसाब जी जो भी था आपके एंड से सब कुछ नेचुरल ही रहा, कुछ आपको नेचुरली था। बनाना नहीं पड़ा। नहीं, और जो ममता या जो मदर बनने का जो एक एक्सपीरियंस है जो मेरे पास नहीं है, आई थिंक वो मैंने उधार ले लेके किया मम्मी से, और जो भी मैंने आसपास में नोटिस करती थी, ऑब्जर्व करती थी, तो उन लोगों से उधार ले लेके आए आए पोते। मतलब आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल यशोदा मैया को लेकर काफी ओ, पॉजिटिव इट और वाज, इट वाज अ इजी डिवाइन रहा। अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यशोमती करने का। ओके मेरा दूसरा सवाल है नेहा कि ये किरदार निभाते निभाते यशोदा मैया का आप में कितना बदलाव आया? आपने काफी लंबे समय तक शुरुआत से ही वो किरदार निभाया, और कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो हम जिस कैरेक्टर में रहते हैं घर आने के बाद भी ऑफ स्क्रीन भी हम वैसा ही बिहेव करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपके अंदर कितने चेंजेस आए यशोदा मैया का किरदार निभाने के दौरान या बाद में भी? आई थिंक मैं ना नेचुरली भी बहुत प्रोटेक्टिव हूँ अपने फैमिली के लिए, और आई एम वेरी, मैं वो वाली प्रोटेक्टिव हूँ जो लड़ जाएगी। जैसे फैमिली का साथ देना है, दोस्तों का साथ देना है, वो गलत है तो भी साथ देना है, उनको बाद में समझाना है कि भाई ये तुम थोड़ा सा, तुम भी, आप लोग भी समझ सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ बाई नेचर ऑल्सो, एंड आई एम वेरी पोजेसिव, और तो ये सब जो क्वालिटीज है ना, ये बहुत सिमिलर है यशोदा से। तो यशोदा का जो किरदार है ना, यशोमती जी का, तो वो भी ऐसा ही है, वो बहुत पोजेसिव है अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चे को लेके, बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत फियर्स है। वो मतलब किसी से भी, वो दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ सकती है।
अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। तो आई थिंक उस तरह से मैं काफी सिमिलर थी ऑलरेडी। बट आफ्टर प्लेइंग यशोदा का कैरेक्टर, मैं ये सब क्वालिटीज और थोड़े बढ़ गए मेरे अंदर टू एन एक्सटेंट, कि जहां पे बोलते हैं ना, जब चाइल्ड बिकम्स द पेरेंट, यू नो दे स्टार्ट मदरिंग देयर ओन मदर, तो आई थिंक आई ऑलमोस्ट बिकम लाइक दैट। मतलब आप धीरे धीरे एक माँ बनने लगी थी, किरदार निभाते निभाते सच मम्मी में। पापा को ही मैं मम्मी पापा जैसे ट्रीट करती हूँ, मतलब मैं ही उनकी मम्मी पापा बन गई हूँ। ओके दूसरा ये कि अगला सवाल ये है नेहा, कि कान्हा के किरदार में आपको क्या ऐसा खास दिखा पूरे सीरियल के दौरान? मतलब एक होता है कि सीरियल करते करते इंसान स्टडी भी करता है कि मैं जो सीरियल कर रही हूँ या मैं जो किरदार निभा रही हूँ उनमें उसमें क्या खास है, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उसमें क्या खास है। तो जो कान्हा का किरदार निभा रहे थे, पर्सनली आपको क्या लगता है क्या खास है कृष्ण जी के रोल में, क्या आपको खास लगा? और कृष्ण जी तो खुद ही भगवान है, उनमें आपको क्या ऐसा खास लगता है? मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, जब मैं ये शो अप्रोच हुआ या उसके पहले भी, या जो मैं बहुत कृष्ण भक्त नहीं थी ऑनेस्टली। मैं आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड, पर मैं कृष्ण भक्ति में उतनी नहीं थी। बट जैसे ही मैं यशोदा का किरदार निभा रही थी और मुझे चीजें जानने को मिल रही थी कृष्ण जी के बारे में, आई जी थिंक जी डे बाय डे आई वॉज कृष्ण जी वॉज ग्रोइंग, यू नो यस ऑन मी। वो एक उनका ना, उनकी पावर बढ़ रही थी। जितना मैं उनके बारे में सोचती थी, जितना जानती थी, वो उनको मैं प्यार करने लगी। मतलब एक बोलते ना, प्रेम हो जाना किसी किसी कैरेक्टर से, और कृष्ण जी से मुझे मेरा प्यार बढ़ता गया। एक चीज जो मैंने नोटिस की कृष्ण जी के बारे में, के बचपन से ना उनके उनसे सब कुछ छूटता गया। ठीक है, जब वो पैदा हुए तो उनसे उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी देवकी, वो उनसे छूट गई। जब वो यशोदा के जिनसे जिनसे उन्होंने प्रेम किया, वो सब उनसे छूटते गए। अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे तो, बिल्कुल जब बिल्कुल बिल्कुल यशोदा के पास गए और यशोदा से प्यार हुआ, जो गोकुल था उससे उनको बहुत प्यार था, मथुरा से प्यार था, वृंदावन से बहुत प्यार था, गोपियों से प्यार था, राधा से प्यार था। तो जो भी जिनसे जिनसे उनको प्यार हुआ ना, उनसे उनको अलग होना पड़ा, उनसे उनको डिटैच होना पड़ा। बट जो एक चीज उनकी कभी नहीं छूटी, ये सब छूटते गए लाइफ में उनसे, मगर एक चीज जो कभी नहीं छूटी, वो थी उनकी जो मुस्कुराहट थी ना चेहरे पे, वो कभी नहीं छूटी कृष्ण जी के चेहरे पे। महाभारत के वक्त सो भी वो दैट इज व्हाट मुस्कुराकर आई ही अर्जुन के सवालों का जवाब जी देते रहे। जी एंड नो मैटर हाउ मच पेन ही हैज गॉन थ्रू, हाउ मच ही हैड टू लेट गो, हाउ मच ही लॉस्ट, लेकिन कभी कृष्ण जी ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। एंड आई बिल्कुल थिंक वो मैंने सबसे ज्यादा इम्बाइब किया है। नेचुरली भी मैं वैसी कहीं ना कहीं थी, लेकिन ये चीज जानने के बाद ना कृष्ण जी के बारे में, आई थिंक मैंने उसको और ज्यादा प्रैक्टिस में मैं लेके आई, कि जो भी छूटता है दैट द रीजन, एंड और मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, वो अपने बस में। बिल्कुल। तो कान्हा का कौन सा स्वरूप और बाल लीला आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे अच्छा स्वरूप तो बाल लल्ला का ही स्वरूप है। आई लव जो लल्ला लड्डू गोपाल वाला जो स्वरूप है, इवन दो जो छोटे बच्चे उनके साथ शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट सबसे हाँ। प्यारा स्वरूप तो लड्डू गोपाल का ही है। आई थिंक उनसे ज्यादा एनचांटिंग, उनसे ज्यादा चार्मिंग, आई थिंक कोई बाल स्वरूप नहीं है कृष्ण जी से ज्यादा। वो तो आए ही थे सबको मोहने के लिए, तो या आई थिंक वो है। और का लीला वही है जो मिट्टी खाते थे, जो मिट्टी खाते हैं और वो मुंह खोलते हैं तो यशोदा को ब्रह्मांड ये दिख जाता आपको है, सबसे ज्यादा पसंद बहुत पसंद। और वो भी है? जहाँ पे वो रस्सी से बांधती है और रस्सी कम पड़ती जाती है, वो भी मुझे बहुत हाँ, पसंद इससे है वो मुझे एक ड्रॉइंग। सवाल आपको पूछना था नेहा, कि आपने मतलब आपने अभी कहा कि आपने एकदम नेचुरली एक मदर का रोल निभाया,
ये नहीं कि प्यार से डांटने वाली एक यशोदा मैया का जो पहले से कैरेक्टर बिल्ड हाँ किया हुआ था वैसा नहीं, आपने कुछ हाँ हटकर एक जो नेचुरल मम्मी होती है, नहीं डांटना है तो मतलब हाँ डांटना है अच्छे तरीके से, आपने अपने हिसाब से पूरा नेचुरली सब ये किया, और अपने एंड से आपने कोई दिखावा नहीं किया स्क्रीन पर, जी, कोशिश तो यही थी। कोशिश तो यही थी क्योंकि आप नहीं करना चाहती थी और फिर भी आपने बहुत बखूबी वो रोल निभाया। मेरा हाँ अगला मतलब सवाल, शुरुआत में जी जी बिना जी जी जाने बोलिए। कैरेक्टर के बारे में आई थिंक मैंने माइंड मेकअप किया था कि नहीं नहीं अभी मुझे इस तरह के शोज नहीं करने हैं। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, मुझे उस तरह के शोज उस टाइम करने ही नहीं थे, बट जब मुझे कैरेक्टर का पता चला तो मैं लालच में आ गई। ओके, तो मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, अगला सवाल मेरा कि आपने, आपको जब सीरियल मिला, आपने कहा कि आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन समझने के बाद आपने कहा कि नहीं ये चीज शायद मेरे लिए है और ये मैं करूंगी। ये तो खैर जी आपका था कि आपको करना था, आपको पसंद आ गया और एंड एंड में आपका वो फेवरेट एक बनता चला गया वो रोल। तो आपको सोसाइटी में कैसा रिएक्शन मिला जब आपको ये सीरियल मिला, आपने यशोदा का किरदार निभाना शुरू किया, जो आप आपके बिल्डिंग में होंगे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में होंगे, वहां से आपको कैसे रिएक्शंस मिले ये सीरियल लेने के बाद? मुझे एक्चुअली टच वुड और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इतना प्यार मिला है यशोदा के लिए। आई डोंट नो इफ इट ट्रांसलेटेड या इतना एविडेंट हुआ या नहीं हुआ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द टीआरपी। इट डिड प्रीटी वेल फॉर सोनी, लेकिन जो मुझे फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस होता था कि लोगों को कैसा लग रहा है मेरा शो, मुझे इतना प्यार मिला है। और स्पेशली मुझे आज तक छोटे बच्चे कभी ऐसा पहचानते नहीं थे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों में जो अपना बेस मैंने बनाया है वो यशोमती के कैरेक्टर से ही बनाया है कि छोटे छोटे बच्चे भी मम्मी यशोमती, तो बिकॉज़ सो चिल्ड्रन यूज्ड क्यूट, टू वॉच। यस, हाँ तो मैं जिम भी जाती थी तो कभी एक लेडी है वो अपने बच्चे के साथ आ जाती थी, तो वो बच्चा मेरे ट्रेडमिल के पास आके और मुझे ऐसे पकड़ के ऐसे टी शर्ट वो इशारा करे मम्मी यशोमती मम्मी यशोमती। सो आई वाज लाइक आई थॉट वो पता नहीं क्या बोल रहा है, उसको क्या चाहिए। आई वाज लाइक आपका बच्चा कुछ पता नहीं, नहीं वो आपको यशोमती बोल रहा है। एंड आई वाज इट वाज वेरी हार्टनिंग, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। ओके। और जी जी बोलिए। नहीं बस यही। और दूसरा ये कि इट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव मतलब छोटे छोटे जगहों पे जाती थी और जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसको बहुत रिलीजियसली इस शो को देखते थे। तो आई हैड दोज पीपल आल्सो जो मतलब जो शायद कृष्ण जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे या उनको उनको उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनके रिलीजन को वो नहीं है उनके उसमें, बट दे यूज टू वॉच द शो एंड दे यूज टू रियली लव द शो। मतलब आपको हर जगह से प्यार ही प्यार मिला और रिस्पेक्ट जी जी साथ जी में मिली। बहुत फॉर्चुनेट थी मैं, बहुत फॉर्चुनेट, बहुत ब्लेस्ड। तो नेहा, मेरा अगला सवाल है, यशोदा कई बार कान्हा को बदमाशी के वक्त दंड दे दिया करती थी, उन्हें पनिश कर दिया करती थी, तो क्या लगता है जैसे यशोदा ने कान्हा को हैंडल किया वैसे आज की माएं आज के जनरेशन के बच्चों को हैंडल कर सकती हैं, या कुछ अलग तरीका है, चेंज हो चुका है? आपने कहा कि नहीं, आपने वो टिपिकल यशोदा मैया का कैरेक्टर हटके खुद से किया, तो क्या आज के बच्चों को उस तरीके से हैंडल किया जा सकता है जैसे यशोदा मैया ने कान्हा को किया था? मतलब दो चीजें हैं, यशोदा स्ट्रिक्ट थी जब उसको लगता था कि उनको लगता था कि अभी तो कृष्ण जी भाई अभी आउट ऑफ हैंड जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, हाँ थोड़े थोड़ा जी बच्चों जी को जी थोड़ा सा थोड़ा अनुशासन भी होना चाहिए, दैट्स व्हेन वो स्ट्रिक्ट होती थी। बट आई फील यशोदा बहुत पैम्पर करती थी कृष्ण जी को, और कहीं कहीं पे शी यूज टू बिकम लाइक अ चाइल्ड। वो बच्चे के जैसे लड़ती भी थी औरतों से कि मेरे बच्चे को कुछ मत बोलो, जैसे माए होती हैं कि कुछ नहीं किया मेरे बच्चे ने, तुम जबरदस्ती ऐसी बोल रही हो। तो वो वाली थी यशोदा जी, तो आई थिंक शी वाज द मोस्ट क्या बोलते हैं अनअडल्टरेटेड जो इंसान होता है ना, जो बायस भी होता है अपने बच्चे को लेके, जो अपनी बच्चों की गलतियों को भी छुपाना चाहता है, बट जब समझ में आता है कि थोड़ा सा भी इसको तो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए, तब वो स्ट्रिक्ट भी हो जाती थी। तो आई थिंक
आज की माएं भी ऐसी हैं, जब बच्चे की गलती होती है तब भी थोड़ा सा तो सॉफ्ट कॉर्नर तो बच्चे के लिए होता है। आई थिंक एवरी मदर इज यशोदा। आई डोंट थिंक मदर्स मदर्स कभी भी चेंज नहीं हुई है। जो और बनी है ना, वो ऐसा बड़ा भगवान का इतना इतनी बड़ी देन है औरतें, स्त्री जो होती है, बिल्कुल एक बिल्कुल मदर जो बिल्कुल होती है, तो आई थिंक वो कभी चेंज नहीं हो सकती। उसमें कभी कोई वो अडल्टरेशन नहीं आ सकता है। एक जो माँ होती है उसमें, वो हर एरा में सेम ही रहेगी अपने बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कभी नहीं बदलेगा। सही कहा आपने। आपके लिए जन्माष्टमी का त्योहार कितना खास होता है और आप कैसे मनाती हैं? जी हम बचपन से रात के 12 बजे हम लोग पूजा करते हैं, खूब घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, गाने गाते हैं कृष्ण जी के लिए, और वो वाली आरती गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, नहीं नहीं ये तो सॉरी ये तो राम जी का है, कृष्ण आरती कुंज बिहारी जी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गाते गिरिधर हैं। कृष्ण और मुरारी की। हाँ तो कृष्ण जी का पायो जी मैंने गाते हैं, नहीं ये भी राम जी का है यार, मैं आप सीता सीता के के कैरेक्टर में चली कैरेक्टर गई से है। बाहर नहीं आई, सीता के कैरेक्टर से बाहर नहीं आई वो। नहीं सीता का कैरेक्टर जब आपने निभाया था नेहा, तो क्या उतना ही प्यार मिला था जितना प्यार आपको यशोदा माँ बनकर मिला था? आई थिंक सीता के लिए भी बहुत प्यार मिला था, बहुत अप्रिसिएशन मिला था, लेकिन मुझे लगता है मुझे प्यार जो है वो ज्यादा यशोदा के लिए मिला है, बिकॉज इट वाज मोर रिलेटेबल। और बच्चों बच्चों को जो माए लेके बैठती थी, आपके फैमिली लिए पूरी ले, कौन सा किरदार सबसे आसान रहा, यशोदा या फिर सीता, और कौन सा मुश्किल रहा और क्यों? देखिए आसान और मुश्किल दोनों होती हैं चीजें। जो चैलेंजेस होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, कभी शूटिंग लोकेशन कैसी है, शूटिंग स्केड्यूल कैसा है, आप किस लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, आप शहर से बाहर शूट कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम है, धूप है, तो चैलेंजेस वैसे होते हैं। कभी कैरेक्टर उस तरह से चैलेंजिंग डिफिकल्ट नहीं होता है। कैरेक्टर में एक बार आप घुस गए और आप एक प्रेजेंट में अगर आप जी रहे हैं कैरेक्टर के साथ, तो कैरेक्टर अपने आप फ्लो फ्लो में बहुत स्मूथली होता है। और वो जो जिस तरह से उस टेम्परमेंट के साथ जब आप प्ले करते हैं कैरेक्टर, तो बहुत जेन्युइन लगता है प्ले करना।